हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा खरीदना है अभी के समय में, एक्यूरेट का ऑन रोड प्राइस मैक्सिमम प्राइस होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग ई रिक्शा को फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट लोन अमाउंट मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर ई रिक्शा का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा तो सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर देना, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई रिक्शा का स्पेसिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी टाइप होगा लिथियम, मोटर टाइप होगा BLDC मोटर, मोटर पावर होगा 1000 वाट, वोल्टेज होगा 48 वोल्टेज, माइलेज होगा 100 किलोमीटर, टॉप स्पीड होगा 25 किलोमीटर पर आवर, चार्जिंग टाइम होगा 4 आवर 50 मिनट्स, सीट कैपेसिटी होगा ड्राइवर प्लस 4 पैसेंजर्स गाड़ी में बैठ सकता है, पेलोड कैपेसिटी होगा 400 kg, कार्बोहाइड होगा 322 kg, GVW होगा 699 kg। ई रिक्शा का एक्सोरूम प्राइस होगा 1,75,000, रेडियो प्लस इंश्योरेंस आधा चार्जेस सभी टैक्स मिला के ई रिक्शा का ऑन रोड प्राइस होगा 1,85,000। आपका पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट आपका 60,000, लोन अमाउंट बनता है 1,25,000। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9%, महीनों का टाइम लिया है 36 मंथ 3 ईयर के लिए, पर मंथ EMI निकल कर रहेगा 3,900 रुपीज पर मंथ ली पे कंपनी को। अगर आप लोग ई रिक्शा को आधा सीरीज से खरीदना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।